गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है मुद्दसर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है टॉप 10 मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस इन इंडिया। तो आज हम देखेंगे इंडिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेजेस। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सी वीडियो है और हमें खुद नहीं आइडिया कौन सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा मतलब बोली जाती है। हमें ये तो आइडिया है कि हिंदी मोस्टली लोग इंडिया में बोलते हैं, वो हम लेकिन आज हम देखेंगे कि मोस्टली जो सबसे ज्यादा मतलब कौन सी 10 लैंग्वेजेस है वो बोली जाती है। तो टॉप 10 हिंदी का वीडियो है, ओरिजिनल लिंक आपको इनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना यार और सपोर्ट करना, बहुत ही ऑसम किस्म की ये वीडियोस बनाते हैं, मोस्टली लोग जानते भी होंगे इनको। तो जल्दी से देखते हैं भाई वो कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो सबसे ज्यादा इंडिया में बोली जाती हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है, काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। भारत की 10 सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा टॉप 10 हिंदी के सभी प्यारे दर्शकों को हमारे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों जब हम आपके लिए दुनिया की 10 सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं का वीडियो लाए थे तो आप में से कई लोगों ने भारत की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं पर वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट की थी। वैसे तो दुनिया में 6500 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हम भारतीयों का दिल तो हमारी भाषाओं में ही बसता है। 1600 तो सिर्फ इंडिया में भारत की 10 सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में। 10 मलयालम। मलयालम दक्षिण भारत की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में शामिल है। केरला में बोली जाती है। केरला, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में इसे बोलने वालों की संख्या करीब 3.5 करोड़ है। इस भाषा की लिपि तमिल से काफी मेल खाती है। मलयालम बहुत ही प्राचीन भाषा है, लेकिन ये कितनी प्राचीन है इसका अंदाजा तो वैज्ञानिक भी आज तक सही सही नहीं लगा सके हैं। लेकिन इसका इतिहास कम से कम 1000 साल पुराना तो जरूर है। अगर आप मलयालम सीखने की सोच रहे हैं तो ये किसी नए व्यक्ति के लिए काफी कठिन है, काफी टफ है। आपको एक बात बताऊं, मलयालम इस शब्द को चाहे आगे से पढ़ें या पीछे से वो एक सा ही होता है। आती है उड़िया, इसे भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक का दर्जा प्राप्त है। ओडिशा में बोली जाती है। हमारे ओडिशा की राजकीय भाषा तो यही है। इस भाषा को लगभग 3.75 करोड़ लोग बोलते हैं। ओडिशा के अलावा इसे छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में भी बोला जाता है। अच्छा। ये भारतीय आर्य भाषाओं का हिस्सा है और इसकी शुरुआत और विकास 10वीं शताब्दी से हुआ था। 8 कन्नड़। कन्नड़ भारत की उन सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है जो आज तक जीवित है और जिसे बोलने वालों की कोई कमी नहीं है। इसकी शुरुआत करीब 5वीं शताब्दी में हुई थी और इसकी लिपि को कादम्बा कहते हैं। कन्नड़ बोलने वाले लोग आपको कर्नाटक और उसके आसपास के राज्यों में तो मिल ही जाएंगे। इसके अलावा अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी इस भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। इस तरह ये करीब 4.5 करोड़ लोगों की अपनी भाषा है। कन्नड़ की 20 उपभाषाएं भी हैं जो अलग अलग क्षेत्रों के लोगों में अपनी पहुँच रखती है। भारतीय आर्य भाषा समूह का हिस्सा है। उर्दू शब्द का उद्गम तुर्किश भाषा से माना जाता है, लेकिन ये हमारी अपनी भाषा ही है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर में उर्दू को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है और इसे बोलने वाले लोगों की संख्या 5 करोड़ है। शायद आपको पता ही होगा कि उर्दू हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा भी है। ये भाषा अपने अनोखे अंदाज और तहजीब के लिए काफी प्रसिद्ध है। तहजीब के लिए गुजराती। अब गुजराती के तो नाम से ही पता चल जाता है कि ये हमारे गुजरात की भाषा है। क्यों, बरोबर है ना। वैसे गुजरात के अलावा इसे दमन द्वीप और दादरा और नगर हवेली में भी बोला जाता है। अच्छा। इसको बोलने वालों की संख्या 5.5 करोड़ है। इस भाषा का उद्गम 1300 ईस्वी से माना जाता है और ये भाषा संस्कृत और ब्रज भाषा से काफी प्रभावित है। अगर साहित्य की बात करें तो इस भाषा का साहित्य बहुत ही समृद्ध है और इसके ढेर सारी रचनाएं की गई हैं। 5 तमिल। भारत की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक तमिल का इतिहास 2000 साल से भी पुराना है। इसकी द्रविड़ भाषा समूह का हिस्सा है और इसमें रचित साहित्य की प्रचुरता और प्राचीनता को बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी इसके बारे में जरूर जानते होंगे। तमिल भाषा तमिलनाडु की राजकीय भाषा तो है ही, साथ ही इसे श्रीलंका मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका में भी आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। इस तरह करीब 7 करोड़ से भी ज्यादा लोग तमिल भाषा का प्रयोग करते हैं। 4 तेलुगु। तेलुगु 8 करोड़ लोगों की भाषा का गौरव प्राप्त करने वाली तेलुगु भाषा हमारी लिस्ट में 14 नंबर की हकदार है। ये भाषा भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तो बोली ही जाती है, इसके साथ विदेशों में भी ये काफी प्रसिद्ध है। अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएई और दक्षिण अफ्रीका में भी तेलुगु बोलने वाले लोग रहते हैं। इनमें ज्यादातर लोग तो वही हैं जो अपने जिंदगी में कभी न कभी भारत को छोड़कर विदेश गए और वहीं लाजमी बात है। तेलुगु का उद्गम करीब 1500 ईसा पूर्व से माना जाता है और ये भी द्रविड़ भाषा समूह का हिस्सा है। 3 मराठी।
मराठी भाषा का उद्गम लगभग 1200 साल पहले हुआ था और आज ये भारत के महाराष्ट्र शासित प्रदेशों में बोली जाती है। मराठी को बोलने वालों की संख्या 8.3 करोड़ है और ये भारत की जनसंख्या का करीब 7% है। तो यार मराठी भाषा की प्रसिद्धि का अंदाजा तो इसी बात से लग जाता है। इस भाषा को भी संस्कृत से काफी प्रभावित माना जाता है, क्योंकि संस्कृत के समान इसकी व्याकरण में भी 3 लिंग होते हैं जो विश्व की बहुत कम भाषाओं में ही हैं। मराठी को भारत की आधिकारिक भाषा का तो दर्जा मिला ही हुआ है, साथ ही ये भाषा 40 से भी ज्यादा बोलियों को अपने अंदर समाहित करती है। तो भाई मराठी भाषा के लिए एक लाइक तो बनता है यार। तो बंगाली, बंगाली भाषा और इसकी मिठास सभी जानते हैं इसके बारे में। वेस्ट बंगाल भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की 10 सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में शामिल है। भारत में इसको बोलने वालों की संख्या करीब 10 करोड़। इसे पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में बोला जाता है। इसके अलावा हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की राष्ट्रीय भाषा भी है। बंगाली बोलने वाले लोग आपको कराची में भी बोली जाती है, बहुत ज्यादा। ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में भी मिल जाएंगे। और क्या आपको पता है, हमारी राष्ट्रीय गान भी बंगाली भाषा में ही लिखा गया था। एक, हिंदी। भारत की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी दुनिया की 3री सबसे प्रसिद्ध भाषा है। भारत का चाहे कोई भी कोना हो, लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा के साथ हिंदी को बोलना भी पसंद करते हैं और इसको सीखने की जिज्ञासा भी लोगों में काफी अधिक होती है। हिंदी भाषा संस्कृत से ही निकली भाषा है और इसकी लिपि भी संस्कृत की तरह ही देवनागरी है। हिंदी बोलने वाले लोगों की कुल संख्या करीब 53 करोड़ है। इसमें ढेर सारी बोलियां भी प्रचलित हैं और अवधी, ब्रज और खड़ी बोली भी इसकी ही प्रकार है। और हमारे देश को भी तो हिंदुस्तान कहते हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाएं। हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हैं। हम एक दूसरे की संस्कृति और भाषाओं में इस तरह रंग गए हैं कि कोई हमें इससे अलग नहीं कर सकता। ये विभिन्नताएं देश के लोगों को दूर नहीं करती बल्कि उन्हें एक सूत्र में बांधती हैं। आखिर यही तो खूबसूरती है मेरे देश की। सही दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म यार। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो थी। तो गाइज, इसमें मैं समझ रहा था पंजाबी आएगी लेकिन वो नहीं आई, क्योंकि पंजाबी मोस्टली पाकिस्तान और इंडिया में सिर्फ पंजाब में ज्यादा बोली जाती है। फिर उसके बाद लाजमी बात है पंजाब में बोली जाती है, तो कनाडा में भी बोली जाती है। हाँ, मतलब पंजाबी और मेरे ख्याल में पंजाबी, हाँ सही है, वो पाकिस्तान की मिला के दुनिया की 10वें नंबर पर बनती है। तो यार मतलब इसमें गाइस, सबसे पहले आप लोगों से मेरा क्वेश्चन ये है, और बोलने से पहले, कि आप लोग कितनी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं? हाँ, मेरे जहन में भी यही क्वेश्चन था कि मतलब कितनी ज्यादा आपको मतलब, कौन कौन सी लैंग्वेज जो है ना सबसे ज्यादा बोलते हैं, आप कितनी बोलते हैं? अब देखें, मुझे आप हमें जो मुझे आती है वो मैं आपको बताता हूँ। वो है हिंदी, उर्दू। हिंदी पता है क्यों मुझे आती है? क्योंकि इतनी वीडियो देखी है। हाँ। अब इतने वर्ड्स मुझे आ गए हैं कि मैं मतलब हिंदी में बोल सकता हूँ। और दूसरी बात ये कि इतनी मूवीज और ड्रामास हमने देखे ना, सीरियल देखे, हमें आती है, समझ लेते हैं। हाँ, हिंदी आती है, उर्दू आती है, अच्छा उसके बाद पंजाबी आती है, पश्तो आती है, इंग्लिश, और एक और भाई कौन सी है, बस यही आती है, और थोड़ी सी हिंद को आती है। हिंद को इसको बोलते हैं पोटोहारी। हिंद पोटोहारी लैंग्वेज जो हमें मतलब ये हमें लैंग्वेजेस आती हैं। आप बताएं आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, क्योंकि आपको भी काफी सारी लैंग्वेजेस आती हैं। लाजमी बात है, और किस स्टेट से हो आप वो बताओ, और आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो ये भी लाजमी बताना है। तो अब आते हैं इस पे। तो यार इंडिया वाकई में भाई इतना डाइवर्स है कि इंडिया के सिर्फ 22 जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, मतलब जो मतलब गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज की हुई है, वो 22 लैंग्वेजेस है सिर्फ। अच्छा, इसमें से 4 या 5 मेरे जहन में थी कि मैंने कहा ये लाजमी होंगी, और वो मतलब आई भी है। बंगाली में समझा हुआ था लेकिन वो दूसरे नंबर पे, ये मुझे नहीं पता था। मैं समझे था मराठी या कोई ये दूसरे पे होगी, लेकिन बंगाली सेकंड पे थी, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली। अच्छा, हिंदी 53 करोड़ यार, मतलब यही समझो जहाँ जहाँ इंडियन है आपको हिंदी बोले। और हिंदी ऐसी है जिस तरह मतलब आप कोई भी इधर, जिस तरह पठान साथ बोलता है उर्दू भी बोलता है, तो इसी तरह उधर भी मतलब इंडिया में भी यही है कि हिंदी भी बंगाली मतलब है, वो अपने भी हिंदी बोलता है। कुछ होते हैं ना जो बंगाली होते हैं या मतलब तेलंगाना के होते हैं या किस जगह पे, मतलब वो अपनी लैंग्वेज तो बोलते ही बोलते हैं लेकिन साथ में हिंदी भी मतलब लैंग्वेज है। सिर्फ इसमें केरला के
और मतलब साउथ साइड के लोग होते हैं जहाँ के लोगों को बिल्कुल नहीं आती, थोड़ी समझ नहीं आती, और नॉर्थ ईस्ट साइड के, नॉर्थ ईस्ट साइड के वही मतलब कुछ लोगों को, लेकिन जो समझ नहीं आती है जो ये वाला एरिया है मुंबई यूपी इधर तो बहुत ज्यादा ये हिंदी बोली जाती है, क्योंकि मोस्टली लोग यही बोलते हैं बिहार साइड। उर्दू सातवें नंबर पे, मैं खुद हैरान हूँ, मतलब यूपी में उसके मतलब बात है। हाँ लखनऊ से ओरिजिन है, ओरिजिन ही लखनऊ में हुआ, उर्दू का इसमें कोई शक नहीं है। वो तो बाद में मतलब लैंग्वेज उस टाइम तो ये एक ही था, उर्दू भी उधर ही बनी थी, बिल्कुल। तो ये वाला सीन था। इसी तरह देखें सिंधी लैंग्वेज जिस तरह अलग होती है, हाँ, उधर बनी है, तो इसी तरह ये सारी चीज है, अपनी हाँ, अपनी जगह पे इनका ओरिजिन हुआ। बिल्कुल। सो गाइस आप हमने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो हमें लाजमी बताइएगा। तो आप कौन कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हैं और कहाँ से, आप कौन से स्टेट से? अच्छा मलयालम जो बोला था कहते हैं वो सीधा पड़े उल्टा, मतलब एक ही लिखा हुआ था, काफी अच्छा फैक्ट था ये, हमें खुद हमें पहले नहीं पता था ये वाली बात है। उल्टा भी पढ़ो फिर भी मलयालम बनता सीधा। उसके बाद गुजराती, तेलुगु, उसके बाद थी तेलुगु, तमिल, तमिल, साथ में बंगाली, मराठी, ओडिया, ओडिशा की, अच्छा ये वाली लैंग्वेजेस थी। सो गाइस आप बताएं कैसी लगी आपको वीडियो, इतनी वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तैयार हूँ, बाय।